दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग वीडियो। दोस्तों आज जो वीडियो है वो है नंबर वन टॉप सीड प्लेयर नोवाक जोकोविच के रिगार्डिंग वीडियो है। उनका मैच था आज 18 साल के युवा खिलाड़ी होल्डर रूम के साथ जो डेनमार्क के खिलाड़ी है। दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जाकर नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जल्द से जल्द आप सबको सारी टेनिस के रिगार्डिंग स्पोर्ट्स रिगार्डिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज बढ़ते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस पर। जोकोविच का मैच था, जोकोविच अपने कैलेंडर ग्रैंड स्लैम के लिए जा रहे हैं। पहले 3 ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, रोलैंड गारोस जीते हैं और विंबलडन भी जीते थे। तीनों टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है उन्होंने, तो इस टूर्नामेंट में भी उनसे बहुत ज्यादा बेहतरीन की उम्मीदें थी। आज उन्होंने अपना पहला चेक टिक कर लिया है, फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जीत गए हैं आराम से, सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर दिए हैं। अब फर्स्ट राउंड का जो मैच था बहुत बढ़िया मैच हुआ, जैसे ही पहला सेट आया पहले सेट में वो फुल फ्लो में दिखे। पहले सेट में उन्होंने पहला तो अपनी सर्व पे तो होल्ड रखा, दूसरी सर्व की ब्रेक भी की, फिर से अपनी सर्व पे होल्ड रखा और फाइनली होल्डर रून अपनी सर्व पे होल्ड रख पाए और 1-3 से कम्प्लीट कर रहे थे फर्स्ट सेट में। बट जोकोविच का कुछ अलग ही इरादे थे, जोकोविच ने अपनी सर्व पे होल्ड रखा और होल्डर रून की सर्व एक बार फिर से ब्रेक कर दी और अपनी सर्व पे फिर से होल्ड रखा और पहला सेट किया 6-8 से नाम बेहतरीन प्रदर्शन किया नोवाक जोकोविच ने। जोकोविच ने ये 30 मिनट के अंदर ही सेट खत्म कर दिया, तो काफी तेज खेले थे नोवाक जोकोविच। जो सेकंड सेट आया सेकंड सेट एकदम बढ़िया हुआ, इसमें पूरा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सेकंड सेट 1-0 अपनी सर्व पे होल्ड रखा होल्डर रून ने और आते ही नोवाक जोकोविच की सर्व तोड़ दी। बहुत बड़ी बात है, जोकोविच की सर्व तोड़ दी होल्डर रून ने, उसके बाद फिर से अपनी सर्व पे होल्ड रखा 3-0 था। लग रहा था कि जोकोविच ये वाला सेट हार जाएंगे, बट बोलते हैं ना जोकोविच हमेशा वापसी करते हैं, कंपटीशन करते हैं, फाइट करना बोलते नहीं, और इस बार भी ऐसा उन्होंने जबरदस्त कंपटीशन दिया और लगातार उनकी पहले सर्व ब्रेक की अपनी सर्व पे होल्ड रखा, फिर से उनकी सर्व ब्रेक की अपनी सर्व पे होल्ड रखा और लगातार 4 गेम्स जीते। अब जोकोविच की अली सर्व फिर से होल्डर रून ने ब्रेक कर दी, तो इस मैच में देखा जाए काफी रोमांचक हो गया। 4-4 पे बराबरी हो गया था और काफी बार ब्रेक्स हो चुके थे सर्विस ब्रेक्स, और उसके बाद दोनों प्लेयर ने अपनी सर्व पे होल्ड रखा और 6-6 पे हुआ। जब 6-6 पे टाई ब्रेकर हुआ तो एक बार टाई ब्रेकर में जोकोविच की सर्व उन्होंने तोड़ दी और लास्ट में जाके उन्होंने अपनी सर्व पे होल्ड रखा और पहला सेट जीता 7-5 से अपना उन्होंने, और सेकंड सेट जैसे ही जीत लिए तो 8 सेट वोन का भी हो गया और जोकोविच का हो गया और दोनों गेम बराबर हो गया। अब पूरा मैच बराबरी का था, बट हमें पता जोकोविच बराबरी का मैच होने नहीं देंगे, जोकोविच बहुत खतरनाक प्लेयर है और वैसा ही उन्होंने किया। थर्ड सेट में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, पहले तो उन्होंने अपनी सर्व पे होल्ड रखा और उनकी सर्व को ब्रेक किया, 2 बार ब्रेक किया, पहले 1-1 था, 2-1 अपनी सर्व पे होल्ड रखा, फिर 3-1 से उनकी सर्व ब्रेक की, फिर अपनी सर्व पे होल्ड रखा 4-1 से, फिर वो फाइनली अपनी सर्व पे होल्ड रख पाया 4-2 किया, फिर अपनी सर्व पे जोकोविच ने होल्ड रखा 5-2 किया और साथ में लास्ट में जोकोविच ने होल्डर रूम की सर्विस तोड़ दी और 6-2 से ये भी सेट अपने नाम किया। तीसरा सेट ये भी काफी जल्दी सेट खत्म हुआ है। चौथा सेट तो दोस्तों और जल्दी खत्म हुआ, चौथा सेट सिर्फ 20 मिनट लगे नोवाक जोकोविच को जीतने में। जोकोविच ने चौथा सेट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 तक पहुंचे थे, लग रहा था बेडल करते रहेंगे, बट होल्डर रून ने अपनी सर्विस में थोड़ा साहस बताया और फाइनली अपनी सर्व होल्ड रखने में कामयाब हुए। लास्ट में जाकर जोकोविच ने अपनी सर्व पे होल्ड रखा और 6-8 से सेट जीता। तो दोस्तों जोकोविच ने अपना फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर चुका है, वो सेकेंड राउंड की ओर बढ़ गए हैं। जोकोविच की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने बोला भी था कि वो बेयरली मूव कर पा रहा था, टेनिस में रूल चेंज करना चाहिए कि मेडिकल अटेंशन देनी चाहिए, बट रूल्स आर रूल्स। देखा जाए थर्ड फोर्थ सेट में जो होल्डर रूम था वो इतना फुट मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, उन्हें इंजरी हो रही थी बीच में ही, तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए, जल्दी इंजरी से रिकवर हो पाए और हमें आगे के मैचेस में मिलते हैं बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। तो अब नोवाक जोकोविच पहुंच गए हैं सेकंड राउंड में, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। और आपको क्या लगता है सेकंड राउंड में कैसे जीतेंगे, विद इन 3 स्ट्रेट सेट्स जीतेंगे या 1-2 सेट ड्रॉप होगा उनका? दोस्तों मेरे हिसाब से तो वो ये वाला मैच अगला मैच भी जीत जाएंगे। दोस्तों अपनी राय जरूर दें वीडियो, कौन जीतेगा, कौन मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, अपनी राय देना जरूर देते रहें और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।